हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। मेरा नाम है अनुज तनवर और आप इस टाइम पोकेकिंग के चैनल पे। आज की वीडियो में हम कुछ स्टार्टर्स पोकेमोन को रेट करने वाले हैं। ये पहले भी कोई कर चुका है, मैं उसका नाम नहीं लेने वाला, लेकिन हाँ इसे पहले भी कोई कर चुका है, तो हाँ ये काफ़ी ओल्ड फैशन है, तो मैंने सोचा चलो मैं भी कर लेता हूँ, तो मैं इसे करने जा रहा हूँ। तो हाँ, वो मैं कह रहा था कि जो मैं ये कर रहा हूँ, तो वो क्या नाम है, ये मैं अपने पीसी में कर रहा हूँ, लेकिन रिकॉर्ड और वॉइस ओवर मैं अपने फ़ोन से कर रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं कैसे पहले तो मेरा एडिटर काम नहीं कर रहा था, अब मेरा रिकॉर्डर भी काम नहीं कर रहा वॉइस वाला। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो हम सबसे पहला अपना पोकेमोन रैंक करने वाले हैं वो है बल्बासोर। तो इसको भाई मैं सी में डालूँगा, क्योंकि सी थोड़ा सही है, मैं इसे ज़्यादा बुरा भी नहीं कह रहा। लेकिन जो अगला है भाई, ये तो भाई एफ के लायक है, एफ से भी कम के लायक है, एफ में हाँ। और जो इसका अगला पोकेमोन है, ये भाई मैं अगर ब्रिलियंट डायमंड खेलता तो शायद मैं इसको लेता। मेरी वीडियो थोड़ी बहुत ग्लिच कर रही है शायद, तो मैं इसे डालता सी में डाल देता हूँ। छोड़ो, अच्छा पोकेमोन है इंफरनेट भाई, इसको भी मैं बी में डालूँ या सी में, दोनों ही काफ़ी सही जगह है। ऐसा करता हूँ, इसको भाई मैं सी में डाल देता हूँ, सी सही है, ज़्यादा बुरा भी नहीं है। हाँ, लेकिन इसको तो भाई मैं ज़रा डाल देता हूँ ई में डाल देता हूँ, ई सही है एकदम। और इसको भाई मैं बी में डालता हूँ, क्योंकि भाई मैं अभी ब्लैक एंड वाइट खेलता था ना जब, तो इसका भाई मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता था स्नाइवी का। और टैपिक को भी भाई मैं उसी में डालूँगा, ये दोनों भाई, ये तीनों ही बहुत अच्छे हैं, मैं इन तीनों को भाई बी में डालूँगा। काफ़ी हाँ, वॉइस ओवर करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और इसको तो भाई मैं एफ में डालूँगा, क्योंकि बहुत बेकार पोकेमोन है। और इसको भाई, ये सरीना के पास था, तो भाई मैं इसे डी में डालूँ, ई में डाल देते हैं। एंड इसे भाई मैं डी में डालूँगा, वहाँ बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मेरे फ्रेंड ऑफ्रेंड हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लो भाई, यार ये बेकार पोकेमोन लगता है मुझे, तो भाई मैं इसे डी में डालूँगा। और भाई अब चार्मेंडर को तो भाई मैं डालने वाला हूँ एस में, क्योंकि भाई ये एकदम सुपर क्लास पोकेमोन है। रुको भाई, इसका चेहरा रुको, फिर नीचे के नहीं दिखेंगे। हाँ तो ऐसे ठीक है, अभी ये एक पोकेमोन के बाद हो जाएगा। राउलेट को भाई मैं सी में रख लूँ, सी में सही है, क्योंकि इसका भाई मैं पोकेमोन यूनाइट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता था, तो इसलिए बी कर देते हैं, चलो बी में रखते हैं। और भाई हाँ अब ठीक है, ऐसे रख देते हैं, तो अब आपको नीचे के भी पोकेमोन दिख रहे होंगे। तो इस पोकेमोन को हम रखते हैं भाई, इसका नाम नहीं याद, लेकिन जब मैंने सन एंड मून खेला था, तो जब मैंने इसे रखा था तो ए ठीक है। इसको भाई मैं एफ में रख दूँ, एफ सही है भाई इसके लिए, एफ हाँ एफ में रखते हैं इसे। अरे ईवी का क्या काम यहाँ पे, चलो भाई ईवी भी है तो भाई वो पोकेमोन उसकी वजह से आ गई होगी, लेट्स गो पिकाचू की वजह से, कोई बात नहीं, ये अमरियन में इवॉल्व होता है, तो इसलिए इसे ए में रख देते हैं। और ग्रोकी भाई, भाई ये बहुत अच्छा पोकेमोन है, इसे भी भाई मैं ए में ही रखूँगा, क्योंकि जब मैंने पोकेमोन शॉर्ड एंड शील्ड खेला था, तो जब मैंने इसे लिया था, इसको भाई मैं डालता हूँ स्कॉर्बनी को भाई मैं बी या सी में डालता हूँ, बी सही है इसके लिए, क्योंकि ये अच्छा पोकेमोन है। और इसका मुझे नाम यार, हाँ सोबल, इसको भाई भाई मैं तुझे डी में डालना चाहता हूँ, तू ई में रहना चाहता है, तो चल ई में रह ले भाई। ये जो स्क्वाड पोकेमोन है ना यार, ये मेरा बचपन का सबसे फेवरेट पोकेमोन था चार्मेंडर से पहले, तो भाई मैं इसे अच्छी रैंक दूँगा, तो सी या बी में डाल देते हैं इसे, बी में डाल देते हैं चलो, क्योंकि ये मुझे अच्छा पोकेमोन लगता था जब बचपन में इसके साथ देखता था, क्योंकि तीन तो बन जाती थी ना मेगा में। पिकाचू, चलो भाई पिकाचू को भाई मैं एनिमे के हिसाब से रैंक करूँगा, तो भाई ये एस के भी ऊपर जाएगा, लेकिन भाई मैंने इसे सी में डाल देता, क्योंकि मैं गेम के हिसाब से करूँ, ये भाई मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसे डाल देता हूँ ई में चलो डी में डाल दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे को याद नहीं, मैं एक घंटे बाद करूँ। और हाँ, ये वाले पोकेमोन को भाई मैं डालूँगा ए में, क्योंकि मैंने ये पोकेमोन अभी लिया है लेजेंड आरसीएस में, तो भाई बहुत सही है। और इस पोकेमोन का तो भाई मैं नाम भी नहीं लेने वाला, एफ में डालूँगा, साफ सीधी बात है, बहुत बेकार पोकेमोन है। ये वाला पोकेमोन भी भाई अच्छा है, ट्रिको, इसका लास्ट एवोल्यूशन मेगा एवोल्यूशन भाई बहुत तगड़ा है, मैंने खेला था,
तो ए में सही है। और इसको भी भाई मैं ए में डाल देता हूँ क्योंकि ब्लेजिकन बहुत ज़्यादा ओपी पोकेमोन है। तो या बस यही है हमारा हो गया। तो इस वीडियो के लिए तो आप बता देना मैंने एकदम सही रैंकिंग करी है या फिर नहीं। अगर नहीं करी तो आप भी करके मेरे को इंस्टाग्राम पे चाहो तो टैग कर देना या फिर कुछ और भी कर देना, लेकिन हाँ मेरे को बता देना कौन सी सही रैंकिंग है। अगर आपको भी ये खेलना है तो नीचे लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप लिंक खोल के कर सकते हो, बड़ा मज़ा आता है करने में, और वीडियो बना के डाल सकते हो। लेकिन फ़ोन से थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन कोई बात नहीं, कर लेना एडजस्टमेंट थोड़ी बहुत। तो हाँ इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को नहीं पहले वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको वो अच्छी अच्छी वीडियो देखनी है तो उसके लिए बेल आइकन को खोल देना। तो पीस आउट बॉयज़।